दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं उमेश सिम सपोर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि अपने वीडियो पर मास्क कैसे लगाएं और मास्क से अलग अलग डिज़ाइन बनाएं और उसको कैसे सेव करके रखें ताकि आने वाले समय में हम जब कोई मिक्सिंग करें तो वो मास्क वहां से ड्रैग करके और अपने वीडियो पर छोड़ दें तो आराम से काम करें। तो आज का ये ट्यूटोरियल कैसा होने वाला है और ये मास्क इफेक्ट कैसे बनाएंगे और लाइफ टाइम के लिए कैसे सेव करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के लिए आइए चलते हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पर और अपना हम EDS ओपन कर लेते हैं और EDS में वीडियो पर मास्क लगाकर और उसका एक प्रीसेट बनाकर सेव करके रखेंगे। दोस्तों हमारा EDS जो है ओपन होकर हमारे सामने आ चुका है और हम यहाँ पर न्यू प्रोजेक्ट ले लेते हैं, इस पर कोई नाम दे देते हैं। चलो हम नाम दे देते हैं इसके ऊपर मास्क और हम इसको अपने ही डेस्कटॉप पर ही सेव कर लेते हैं। दोस्तों आप लोग कभी भी प्रोजेक्ट यानी मिक्सिंग करते समय कोई भी प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पर मत सेव करना, क्योंकि अगर आप डेस्कटॉप पर सेव करेंगे और अगर आपका सी ड्राइव छोटा है तो आपका EDS फंस के चलने लगेगा। तो आप लोग कभी भी डेस्कटॉप पर कोई भी प्रोजेक्ट सेव ना करें। ये तो केवल हम आपको बताने के लिए कर रहे हैं, दो चार वीडियो पर काम करेंगे तो इसलिए हमने इसको डेस्कटॉप पर सेव करके रखा हुआ है। और तो हमने पाथ जो है डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लिया और इसका साइज़ जो है हम फुल HD 1920x1080 फ्रेम पर रखेंगे। तो हम इसको ओके कर लेते हैं। अब उसी रेजोल्यूशन में हमारा EDS खुल के हमारे सामने आ जाएगा। फाइनली हमारा EDS खुलकर हमारे सामने आ चुका है और हम यहाँ पर कुछ वीडियो ले लेते हैं जिन पर हम वो मास्क लगाएंगे और इफ़ेक्ट तैयार करके और सेव करके रखेंगे। तो बिन में हम एक नया फोल्डर बनाकर और कुछ वीडियो ले लेते हैं जिन पर हम आज काम करेंगे। फाइनली हमारा वीडियो जो है बिन में आ चुका है और ये वीडियो हम बिन से उठाकर और यहाँ टाइमलाइन पर ड्रैग और ड्रॉप कर देते हैं, यहाँ पर रख लेते हैं, क्योंकि हमें काम जो है टाइमलाइन के ऊपर ही करना है। अगर हम एक ही लेयर पर काम करेंगे दोस्तों तो हम जो मास्क लगाएंगे वो यहाँ पर दिखेगा नहीं, इसलिए हम यहाँ पर एक दो वीडियो ट्रैक और ले लेते हैं। तो दो वीडियो ट्रैक हमने और ले लिया है और उसके बाद हम कोई और वीडियो लाएंगे इसके ऊपर रखेंगे जिस पर हम मास्क लगाएंगे, जिस पर वो दिखेगा। नहीं तो सेम वीडियो पर अगर लगाएंगे दोस्तों तो वो मास्क हमारा दिखेगा लेकिन वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसलिए हम कोई भी यहाँ पर वीडियो ले लेते हैं। हम कोई बैकग्राउंड वाला वीडियो ले लेते हैं जिस पर हम मास्क लगाएंगे। तो हमने ये बैकग्राउंड वाला वीडियो भी ले लिया है। अब हम इस वीडियो को यहाँ पर ड्रैग करके ऐसे छोड़ देंगे और उसके बाद अब हम अपने चलते हैं इफ़ेक्ट पैनल में और वहाँ से चलेंगे वीडियो फ़िल्टर में। और वीडियो फ़िल्टर में जब आप ऐसे ड्रैग करते हुए नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको एक मास्क मिल जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको मास्क जैसा ही एक और लेटर बॉक्स करके मिलेगा। दोस्तों ये भी वैसे ही काम करता है जैसे कि मास्क काम करता है, लेकिन आपको ये नहीं लगाना है, आपको मास्क ही लगाना है और मास्क को यहाँ से पकड़ के और यहाँ पर छोड़ देना है और उसके बाद अपने इंफॉर्मेशन वाले पैनल पे चले जाना है जहाँ पर आपका मास्क जो है शो करने लगेगा, उस पर आपको डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे मास्क का पूरा पैनल खुल के सामने आ जाएगा, लेआउटर, जहाँ पर अब आपको काम करना है और वो इफ़ेक्ट क्रिएट करना है। तो उसके लिए आप लोग यहाँ पर अलग अलग इफ़ेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि आप चाहें तो यहाँ पर राइट एंगल सेलेक्ट करके और राइट एंगल शेप में कोई भी इफ़ेक्ट बना सकते हैं, और आप चाहें तो यहाँ पर सर्कल को भी सेलेक्ट करके आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम राइट एंगल को यहाँ पर सेलेक्ट कर ले रहे हैं और हम कोई नया इफ़ेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले हम इस पर एक फ्रेम बनाएंगे और फ्रेम बनाकर हम आपको दिखाते हैं। ऐसे हम ड्रैग कर लेंगे अपने हिसाब से जितना हमें रखना होगा और उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ की इस जो वीडियो है जिस पर हमने मास्क लगाया है इसका ये इन वाला भाग यानी ये हट जाए और पीछे का वीडियो हमें दिखने लगे, हम ऐसा फ्रेम जैसा बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सेंटर में कर लेते हैं दोनों तरफ, चारों तरफ से देख कर कि किधर हमारा मास्क इधर उधर ज़्यादा ना रहे। और उसके बाद हमें चले आना है इधर
और इधर ये जो इनसाइड लिखा हुआ है इसकी ओपेसिटी फिल्टर के सामने यहाँ जब टिक मार्क वाला ऑप्शन है उस पर आपको टिक करके और इसको जो है आपको ज़ीरो कर देना है। और ज़ीरो करने के बाद दोस्तों अगर आप इसके बॉर्डर पर कलर वगैरह देना चाहते हैं तो आप यहाँ से कलर भी दे सकते हैं, अन्यथा आप अगर इसको सॉफ्ट करना चाहते हैं यानी आप कलर नहीं देना चाहते हल्का सॉफ्ट रहे यानी बिल्कुल प्लेन आपका ये बॉर्डर ना दिखे तो उसके लिए यहाँ पर आपको सॉफ्ट पर क्लिक करके और इसका जो है यहाँ से ऐसे इसको बढ़ा देना है जितना परसेंट आप चाहें अपने हिसाब से और उसके बाद आप ओके प्रेस कर दें तो ये आपको दिखने लगेगा। ये जो है प्रीसेट दोस्तों आपका बन के तैयार हो गया और आपकी नीचे की वीडियो इस पर शो हो रही है। जैसा कि दोस्तों नीचे की वीडियो दिख रही है लेकिन वो जो दो आदमी ऊपर खड़े हुए हैं उनका सर कटा हुआ है तो वो इसलिए क्योंकि दोस्तों हमने नीचे का वीडियो जो है उसका लेआउटर सही नहीं किया है वो इसलिए। और आप जब कभी लगाएंगे तो आप अपने वीडियो का लेआउटर सबसे पहले सही कर लेना उसके बाद मास्क लगाना। तो फाइनली हमारा ये मास्क तो बन चुका है लेकिन हम इस मास्क को सेव कैसे करेंगे। सेव करने के लिए दोस्तों जहां आप सेव करना चाहें उस पहले फोल्डर को सेलेक्ट करें जैसे हमने मास्क वीडियो फिल्टर से उठाया हुआ है। अगर हमें इसी फोल्डर में यहाँ पर सेव करना है तो हम उसी फोल्डर को यहाँ सेलेक्ट रहने देंगे और उसके बाद अपने इंफॉर्मेशन वाले पैनल पर चले जाएंगे और उसी मास्क के ऊपर एक क्लिक करके और फिर राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर सेव एज करंट प्रीसेट कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो हम यहां से इसको सेव एज करंट प्रीसेट कर दिया है और ये थोड़ा समय लेकर और उसी फोल्डर में सेव होकर आ गया। ये मास्क वन के नाम से हमारा सेव होकर आ गया। अब अगर आप इसका नाम देना चाहते हैं तो आप अपने हिसाब से इसका नाम यहां पर चेंज कर सकते हैं। तो हम इस पर जो है लिख देते हैं, चलो कोई नहीं, मास्क वन लिखा हुआ है तो मास्क वन ही लिखा रहने देते हैं और इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद दोस्तों हम यहां से फिर से इन्फॉर्मेशन जाएंगे इस वीडियो पर और ये मास्क डिलीट करेंगे और हम दूसरा कोई सेव बनाएंगे। तो उसके लिए फिर से चलेंगे अपने मास्क पर और वहां से मास्क उठाकर और फिर से हम वीडियो पर छोड़ेंगे और एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। फिर से हमारा मास्क वहीं आ गया और इन्फॉर्मेशन में जाकर उस पर डबल क्लिक करेंगे तो ये फिर से वही पैनल हमारे सामने खुल के आ जाएगा और उसके बाद वही हम फिर से लेते हैं और इस बार हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे। तो उसके लिए दोस्तों हम यहाँ पर ऐसे ऐसे करके इतना लंबा खींच देंगे और उसके बाद हम इसकी इनसाइड की ओपेसिटी को हम यहाँ पर ज़ीरो करेंगे और उसके बाद हम इसको रोटेट करेंगे, पहले रोटेट करके और एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद दोस्तों हम इस पर कुछ लीज़ का जो है लेआउटर पर सेटिंग करेंगे जिससे ये देखने में खूबसूरत लगे कि यहाँ से ये ऐसे खुले। तो उसके लिए हम यहाँ पर चले आएंगे और इस पर हम की फ्रेमिंग करेंगे। की फ्रेमिंग के लिए यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर पहला की फ्रेम हम ऐड कर देंगे और उसके बाद हम अपना इसको आगे ले जाएंगे कर्सर को और उसके बाद इसको हम ऐसे करके ऐसे खोल देंगे जहाँ तक खोलेंगे। लेकिन दोस्तों हमने उसको खोल तो दिया लेकिन हमें यहाँ पर जब शुरुआत में किया था, चलो फिलहाल हम आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद हम इसका जो है बॉर्डर हल्का सा कलर भी देंगे जिससे देखने में अच्छा लगे। अब ये आपका कुछ इस प्रकार का बन के आ जाएगा ऐसे करके। अगर आप ऐसा डिज़ाइन बनाना चाहते हैं तो भी बनाकर सेव कर सकते हैं लेकिन हमने इस पर एक काम छोड़ दिया था जो बताना भूल गए थे। तो उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले यहाँ जब की फ्रेम ऐड करते हैं उसी समय हमें करना रहता है ये कि यहाँ पर कलर भी ले लेना होता है जिससे देखने में अच्छा लगता है। तो यहाँ पर कलर पर हमने क्लिक कर दिया और कलर हम यहाँ रखते हैं 4% और कलर कोई सा भी आप अपने हिसाब से कोई भी कलर ले लीजिए जो आपको अच्छा लगता हो। तो हम यहाँ पर ले लेंगे हरा कलर ले लेते हैं और उसके बाद हम जहाँ जाकर और इसके बाद हम ओके प्रेस कर देंगे। अब देखिए दोस्तों आपको ये कलर भी दिखेगा यहाँ पर।
तो दोस्तों आप ऐसे मास्क का प्रयोग करके नए नए डिज़ाइन बनाकर सेव करके रख सकते हैं, और इसको अगर आप सेव करना चाहते हैं तो आपको फिर वही टेक्निक अपनाना पड़ेगा। आप जिस पैनल में सेव करना चाहें उस फोल्डर पर पहले जाएं और वहां पर क्लिक करें, उसके बाद फिर से इन्फॉर्मेशन में जाएं और वहां अपने मास्क पर क्लिक करके और राइट क्लिक करके सेव एज करेंट प्रीसेट, सेव एज करेंट यूजर प्रीसेट पर क्लिक कर देना है आपको, और ये सेव हो जाएगा। 2-3 सेकंड लगेगा और ये वहाँ प्रीसेट सेव हो जाएगा, जैसा कि हमारा यहाँ मास्क 2 के नाम से सेव होकर आ चुका है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये ट्रिक भी आपको पसंद आया होगा, जहाँ पर आप लोग इसको सेव करके रख सकते हैं। और इस मास्क को दोस्तों अगर आप फिर से अप्लाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस क्लिप पर जाएं और अपना पहले वाला मास्क यहाँ से डिलीट कर दें, और उसके बाद इफ़ेक्ट पैनल में जाकर उसी मास्क को ऐसे ड्रैग करके और ऐसे फिर से छोड़ दें, तो ये आपका वीडियो पर लग जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये तरीका भी आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल पर ऐसे ही बने रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में दोस्तों अगले दिन किसी प्रोजेक्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।